और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं ये मानता हूं कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी के इस वाक्य को लिखकर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूं। जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का, वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया 3 मीटर का, उसमें ड्राफ्ट है। तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 2,200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीन फील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है और पटना आरा बक्सर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है और बख्तियारपुर पटना से ओर मांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है और उमागांव से सहरसा ब्राउन फील्ड कॉरिडोर है 3500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूँ जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपये है, पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूँ पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता, मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, यह वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे पास पूरे रोड के डिटेल से ये कहां से जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा कि वेबसाइट पर यह पूरा डाल दूंगा ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को यह मिले। मैं और एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है उसको MPBS प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुन्द्र में उतरा हूं, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी, अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं, अब इसके बाद मैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूँ विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग MPBS सी प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दो।
ताकि अगले बार मैं आऊंगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊंगा, यही डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई तो मैंने कहा देखो मैं जिसको आप एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, हवा में उड़ने वाली बोट, और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं, आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है, उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा, यही हमारा सबका सपना है।